राजधानी दिल्ली में जल संकट दिन ब दिन घटने की जगह बढ़ता ही जा रहा है। ऐसे में अब दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी मावलेना ने एक प्रेस वार्ता आयोजित कर सरकार को अंतिम चेतावनी दी है। आतिशी ने मीडिया से कहा कि अगर 21 जून तक दिल्ली वालों को पानी नहीं मिला तो मैं सत्याग्रह शुरू करूंगी। आयोजित प्रेस वार्ता में जल मंत्री आतिशी ने कुछ आंकड़े की जानकारी देते हुए कहा कि दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 एमजीडी है, जिसमें से 613 एमजीडी हरियाणा से आता है। कल 18 जून को ये मात्रा घटकर 513 एमजीडी हो गई है और आज के दिन 100 एमजीडी पानी की कमी दिल्ली में है। दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। उन्होंने कहा कि मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से भी बात की है, लेकिन हरियाणा ने हिमाचल का पानी देने से भी मना कर दिया। उन्होंने कहा कि इन्हीं समस्याओं के चलते मैंने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी है और उनसे आग्रह किया है कि अब दिल्ली वासियों का कष्ट हर सीमा को पार कर चुका है। मैंने पीएम मोदी से विनम्र निवेदन किया है कि दिल्ली के लोगों को पानी दिलवाएं। अगर 21 तारीख तक दिल्ली वालों को अपने हक का पानी नहीं मिला तो फिर 21 तारीख से मुझे पानी के लिए सत्याग्रह शुरू करना पड़ेगा। दिल्ली से शुभ सेठ की रिपोर्ट। जैसा कि आप सब जानते हैं कि आजकल दिल्ली में एक्सट्रीम हीट वेव, भीषण गर्मी की स्थिति है। इस भीषण गर्मी की स्थिति में दिन का तापमान तो 47-48 डिग्री पहुंच ही रहा है, रात का तापमान भी 40-41 डिग्री पहुंच रहा है। ऐसी भीषण गर्मी में पानी की जरूरत हर व्यक्ति की बढ़ जाती है। आज दिल्ली वालों को ज्यादा मात्रा में पानी की जरूरत है, लेकिन जिस समय इस भीषण गर्मी की वजह से दिल्ली वालों को ज्यादा पानी की जरूरत है, आज दिल्ली में पानी की कमी हो गई है। दिल्ली में पर्याप्त पानी नहीं है। क्यों है दिल्ली में आज पानी की कमी? क्यों दिल्ली में त्राही त्राही मची हुई है? क्यों दिल्ली के लोग बूंद बूंद पानी के लिए तरस रहे हैं? हमें यह समझना होगा कि दिल्ली में कुल पानी की सप्लाई 1050 एमजीडी है। इस 1050 एमजीडी में से 613 एमजीडी हरियाणा से आता है और हरियाणा से यमुना नदी में आता है। कल यानी 18 जून को हरियाणा से जो पानी की मात्रा 613 एमजीडी आनी थी, वो घटकर 513 एमजीडी हो गई है। यानी 100 एमजीडी की पानी की कमी आज के दिन में दिल्ली में है। 100 एमजीडी की पानी की कमी का क्या मतलब हुआ? 1 एमजीडी पानी तकरीबन 28,500 लोगों को पानी देता है। यानी अगर दिल्ली को हरियाणा से 100 एमजीडी पानी कम मिल रहा है, इसका मतलब ये है कि 28 लाख लोगों को पानी कम मिल रहा है। ये आज दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली के लोग बहुत परेशान हैं और दिल्ली के लोगों की ये परेशानी दूर करने के लिए हमने हर संभव प्रयास कर लिए। मैंने हरियाणा के मुख्यमंत्री को पत्र लिखा, लेकिन हरियाणा ने फिर भी पानी नहीं दिया। मैंने हिमाचल के मुख्यमंत्री से बात करी, उन्होंने कहा वो हिमाचल से पानी देने को तैयार हैं, लेकिन वो पानी भी हरियाणा से होते हुए आना है। हरियाणा ने हिमाचल का पानी भी देने से मना कर दिया। मैं सुप्रीम कोर्ट गई, मैंने सुप्रीम कोर्ट के सामने गुहार लगाई कि दिल्ली को ये 100 एमजीडी पानी की जरूरत है, वरना 28 लाख लोगों को पानी नहीं मिल रहा। सुप्रीम कोर्ट ने भी माना कि दिल्ली में पानी का संकट है, लेकिन उसके बावजूद भी हरियाणा सरकार ने दिल्ली को पानी नहीं दिया। अब हर संभव प्रयास करने के बाद, हर लीगल प्रयास हमने कर लिया, हर एडमिनिस्ट्रेटिव प्रयास हमने कर लिया, अब अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठने के अलावा हमारे पास कोई रास्ता नहीं बचा है। तो अगर दिल्ली वालों को 21 तारीख तक पानी नहीं मिलता तो 21 तारीख से मैं अनिश्चितकालीन अनशन पर बैठूंगी। मैम, हरियाणा की तरफ से जो कहा जा रहा है कि 1100 क्यूसेक से अधिक पानी हम पर डे दे रहे हैं और दिल्ली की सीमा में जाके वो कहां जाता है, ये दिल्ली के ऊपर में जिम्मेदारी है। क्या आप लोग कुछ ये तय कर पाए हैं कि हरियाणा आपको 1100 क्यूसेक से अधिक पानी हर दिन देता है? देखिए, अब तो हम सिर्फ हरियाणा वालों के सामने हाथ जोड़ रहे हैं। आज दिल्ली में 100 एमजीडी पानी की कमी है, अब वो पानी कहां से आएगा?
इन 28 लाख लोगों को पानी कहाँ से मिलेगा? क्या दिल्ली वाले बूंद बूंद पानी के लिए तरसते रह जाएंगे? आज दिल्ली के लोग इतने परेशान हैं पानी के लिए, लेकिन हरियाणा सरकार अपना 1.5% पानी भी नहीं दे रही। देखिए, मुझे भी पता है हरियाणा में भी हीट वेव है, हरियाणा वालों को भी पानी चाहिए, लेकिन 3 करोड़ की आबादी पे हरियाणा के पास 6050 MGD का एलोकेशन है। 3 करोड़ की आबादी पे दिल्ली के पास 1050 का, सॉरी हरियाणा के पास 6500 MGD का एलोकेशन है। दिल्ली के पास 3 करोड़ की आबादी पे 1050 MGD का एलोकेशन है। तो हरियाणा सरकार दिल्ली वालों पर और दिल्ली वालों की जो परिस्थिति है, दिल्ली वालों का जो कष्ट है, उस पर मुझे लगता है हरियाणा सरकार को एक अपना 1.5% पानी देना चाहिए। हमने प्रधानमंत्री से अनुरोध किया है, मैं उम्मीद करती हूँ कि प्रधानमंत्री जी भी इसमें कुछ करेंगे, और अगर नहीं कर पाए तो फिर फ्राइडे से मैं अनशन पर बैठूंगी।